फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल टेकी शुभम। गाइस क्या आप भी अपने कंप्यूटर या अपने पीसी को या अपने लैपटॉप को पुराने तरीकों से चला रहे हैं? क्या आपको मजा नहीं आ रहा अपने माउस से पीसी को चलाने में या अपने माउस से लैपटॉप को चलाने में? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीसी की कुछ ऐसी कीज या लैपटॉप की कुछ ऐसी कीज जिसके थ्रू आप बहुत ही इफेक्टिव वे में और बहुत ही क्विकली अपने पीसी पर काम कर सकते हैं और अपने पीसी या लैपटॉप चलाने का तरीका बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत इफेक्टिवली आप उस पर काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आखिर तक बनी रहिएगा और हम ऐसी कुछ पीसी की शॉर्टकट कीज जानेंगे जिनसे आपको बहुत मदद मिलेगी और जो भी आप कोई भी वर्क कर रहे हो उसमें आप बहुत ही जल्दी उस वर्क को कंप्लीट कर सकेंगे। तो आज की वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। बी कूल, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप अपने पीसी या अपने लैपटॉप को इंस्टेंटली लॉक करना चाहते हैं तो आप सिंपली विंडोज प्लस एल, मैं दोबारा बताता हूँ, विंडोज प्लस एल पर अगर आप कीज को प्रेस करेंगे तो आप इंस्टेंटली अपना पीसी या अपना लैपटॉप बंद कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे दूसरे शॉर्टकट पर। अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर या कोई किसी भी चीज को अपने पीसी में, तो आप शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करके उस शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट का यूज करके आप आसानी से किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं अपने पीसी से। नहीं तो आपको सबसे पहले डिलीट करनी पड़ेगी, उसके बाद रिसाइकल बिन में जाकर वो डिलीट करनी पड़ेगी। आपका टाइम इससे सेव होगा, शिफ्ट प्लस डिलीट वाले ऑप्शन पर जाकर परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं किसी भी फाइल को। फोल्डर को रिनेम करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की है, आप F2 को प्रेस करिए। F2 को प्रेस करने के बाद आप आसानी से रिनेम कर सकते हैं किसी भी फोल्डर। गाइस जो भी आप विंडोज यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी विंडोज हम यूज ओपन कर लेते हैं अपने पीसी में जब हम कोई भी वर्क कर रहे होते हैं, तो उन सारी विंडोज को अगर हम मिनिमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें विंडोज प्लस डी का यूज करना होगा। विंडोज प्लस डी को यूज करके हम आसानी से जो भी सारी विंडोज ओपन हो रखी है हमारे पीसी में वो सारी मिनिमाइज हो जाएंगी। ये जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ ये शॉर्टकट आप सबको नहीं पता होगा शायद, इस शॉर्टकट से आप इमोजी ला सकते हैं। हाँ, इमोजी ला सकते हैं अपने पीसी में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, विंडोज प्लस जो पीरियड की होती है, जो जिसे हम फुल स्टॉप वाली की कहते हैं ना, तो विंडोज प्लस पीरियड की को अगर आप प्रेस करेंगे तो आप इमोजी ला सकते हैं अपने पीसी में। जरूर ट्राई करके देखिएगा इसे, और अगर ये आपको पहले से पता थी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट पर। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार, सबसे अच्छी जो शॉर्टकट की बता रहा हूँ वो ये है, अगर आप स्पीड अप करना चाहते हैं अपने पीसी को, बहुत जल्दी काम करना चाहते हैं, अगर आपका जो पीसी बहुत पुराना है, बहुत स्लो वर्क कर रहा है, तो उसके लिए ये शॉर्टकट की है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रेस करना होगा विंडोज प्लस आर, देन आपको वहां पर टाइप करना होगा क्लीन MGR। जैसे ही आप विंडोज प्लस आर के बाद प्रेस करने के बाद क्लीन MGR टाइप करेंगे, देन आपको डिलीट का ऑप्शन क्लिक करना होगा। उसके बाद आसानी से आपका जो कंप्यूटर है, जो आपका पीसी है, जो आपका सिस्टम है, अच्छे से बूस्ट अप कर देगा उसकी स्पीड को। गाइस एक टिप और देना चाहूंगा, अगर आप कोई भी एक्सेल फाइल हो, कोई भी अगर आपने एक्सेल फाइल बनाई हो और वो बहुत बड़ी हो रही हो, तो उस फाइल को सेव करते टाइम जो एंड में .xlsb डाल दीजिएगा। .xlsb डालने के बाद आपकी जो फाइल सेव होगी वो ऑटोमेटिकली 25% कंप्रेस हो जाएगी, तो आप इजीली उस फाइल को बहुत ही कम स्पेस में रख सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। तो ये भी शायद टिप आपको नहीं पता होगी, अगर पता थी तो इसे भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, मेक श्योर आपने टेकी शुभम को सब्सक्राइब कर रखा हो, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब पर हिट कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।